दोस्तों, ये टर्टल वाइन का प्लांट है। काफ़ी दिनों से मुझे भी बहुत शौक़ था मैं भी अपने गार्डन में छोटे से टेरेस में टर्टल वाइन को लगाऊं। आखिरकार मेरे पास भी टर्टल वाइन का प्लांट अभी हो गया है और कई कटिंग मैंने लगाए हुए हैं। आज इसी प्लांट की चर्चा करूंगी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मई में मैं इसकी छोटी सी कटिंग मैंने अपनी दोस्त से लाई थी, अपने फ्रेंड के पास से लाई थी। तो चलते हैं, आज टर्टल वाइन को मैं किस तरह से केयर करती हूँ तो आज मैं इसी की चर्चा करूँगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, कुछ ही मैंने पहले मई के महीने में या मई के लास्ट में मैंने इसकी छोटी सी दो कटिंग अपनी फ्रेंड के पास से लाई थी। गर्मी का मौसम था, फिर भी ये बहुत अच्छे से चल पड़ा और कुछ ही दिनों में जब रूट निकल आए छोटे से दो कटिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने जिस तरह से देखभाल किया वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए, पहले मैंने एकदम भुरभुरी मिट्टी इसकी तैयार की थी और देखिए इसमें कितने रूट अभी निकले हैं। अभी बारिश का सीज़न है, अक्टूबर फर्स्ट वीक है और इस सीज़न में भी आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। विंटर आते आते थोड़ा सा इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी अभी आप इसे लगा सकते हैं। पूरे अक्टूबर तक आप इसे लगा सकते हैं। देखिए रूट कितना अच्छी तरह से डेवलप भी हो गया है और ये लटका हुआ रहता है तो दीवार में भी ये थोड़ा सा क्रीपर की तरह बना हुआ है। ये छोटी सी कटिंग, इस तरह की कटिंग आप लगा सकते हैं, इजीली ये ग्रो हो जाएगा बहुत आसानी से। अभी इधर वेस्ट बंगाल में तो बारिश हो रही है, आपकी इधर भी बारिश होती ही होगी तो आप अभी से भी इसे लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे लगाया भी था और आपको याद भी होगा पुराने वीडियो में मैंने दिया हुआ था। तो इस तरह से देखते ही देखते और बहुत सारे प्लांट मैंने इसके तैयार कर ली है। कभी कभी ये टूट भी जाते थे, जब हवा तेज़ हवा चलती है तो कभी कभी टूट जाते हैं, चूँकि ये हैंगिंग है तो उस समय वो कटिंग भी मैं जो टूटी हुई जो हिस्सा रहता है उसे भी मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत हो गए। और ये देखिए, ये बस दो कटिंग मैंने लगाया था मई के महीने में और भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार किया था। एकदम नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया था और उसमें गोबर की खाद और या तो बर्मी कंपोस्ट आपके पास जो हो उसी से आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, इसमें छोटी छोटी कटिंग मैं लगाती रहती थी। और इसमें देखिए टेंगल हर्ट भी है, टर्टल वाइन भी है ना, बेहद खूबसूरत। देखिए ये टेंगल हर्ट है, जो भी कटिंग इधर उधर पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, कभी टूट जाता है जैसे मैंने कहा, वो मैं लगाती रहती हूँ। मॉइस्चर इस प्लांट को बहुत पसंद है, अब मॉइस्चर रखिए, लेकिन ये चूँकि सकुलेंट है तो उतना भी हम लोग पानी नहीं देंगे, बस मिट्टी सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर मिट्टी सूख गया तो सोचिए ये प्लांट भी, इसकी पत्तियाँ भी नष्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बहुत सुंदर लगता है, एकदम बूशी हो जाता है। अगर आप कटिंग करके भी इसे रखते हैं गोल बॉल के जैसा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये नीचे गिर गया, इधर हमारी इधर बारिश हो रही है तो छत में देखिए, इसी में देखिए रूट निकल आया है। तो इसे भी मैं कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ये लगाना बहुत आसान होता है, छोटे से प्लांटर में आप लगा सकते हैं। आपका अगर कलरफुल बनाना चाहते हैं, अगर आपका आपके पास अगर वंडरिंग जीव है, पर्पल हार्ट है या रियो है या कुछ भी दूसरे टाइप का दूसरे कलर का प्लांट है, उसके चारों ओर भी आप इसे लगा सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगता है। तो मैं इसे कई तरह से लगाई हुई हूँ। देखिए इधर भी मैंने लगाया हुआ है, एक छोटे से पॉली बैग पड़ा हुआ तो उसी में मैं कटिंग लगाती जा रही थी। और उसमें मेरा देखिए, ये मेरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है टर्टल वाइन। और इसमें देखिए ये बॉलीवियन जीव भी है, जो उधर वंडरिंग जीव भी है। और ये देखिए, ये आगे कितने अच्छे से क्रीपर है, तो बहुत अच्छे से चल पड़ रहा है। और जैसे मैंने कहा सकुलेंट है तो पानी बहुत कम देना है, लेकिन देख के देना है, ठीक है, मिट्टी को चेक करते जाना है। और गर्मी में सेडी एरिया अच्छा पसंद करता है। अभी चूँकि बारिश का मौसम है, मैं बाहर ही रखी हूँ, थोड़ा सा हेल्दी भी बना रहे। और फिर मैं नवंबर आते आते इसे मैं शेड के नीचे रख दूँगी इस प्लांट को। नवंबर से जब जब ओस गिरती है ना, उस समय तक आपको इसको शेड में रखना पड़ेगा। जिस तरह से टेंगल हर्ट, वंडरिंग जीव को आप केयर करते हैं या मनी प्लांट को आप केयर करते हैं, उस तरह से इसे भी केयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा शेडी एरिया दे दीजिएगा विंटर के समय में, नहीं तो ये बहुत अच्छा सा चलता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं, वंडरिंग जीव है, पोथोज है, टेंगल हार्ट है, तो
तो इस तरह से बेहद खूबसूरत लगता है चारों ओर मेरा ग्रीनीज बना हुआ है इस प्लांट के चलते। देखिए दीवार के उस ओर भी इसकी टहनी चल गई है, तो ये भी उसमें कस के पकड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से ये और भी आगे बढ़ता जाएगा। मैं इसे इस तरह से ही छोड़ दूँगी और देखती हूँ ये आगे कहाँ तक बढ़ पाता है। तो मिट्टी भुरभुरी, सनलाइट, हल्की सनलाइट चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए, लेकिन चेक करते जाना चाहिए, छोटी छोटी कटिंग लगाते जाइए। बहुत अच्छा प्लांट है। तो वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नए वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।